गीताजी अध्याय नंबर 11 के, गीताजी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अब कैसे कर्म दिव्य हैं? अब जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह प्रेत की तरह अपना उल्लू सीधा कर गया, नाश करवा दिया, अर्जुन नट्टे कृष्ण नट्टे, मना करे हम नहीं करते ऐसे युद्ध ना। पहले कृष्ण जी भी मना करे थे कि नहीं ऐसा जुलम नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक प्रतिज्ञा कर ली थी महात्मा ने श्री कृष्ण जी ने कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हथियार भी नहीं उठाऊँगा, क्योंकि युद्ध नहीं चाहते थे। वो बड़े शांत प्रिय महापुरुष थे, सतोगुण भगवान है, लेकिन काल ने उसमें प्रवेश किया और अर्जुन को डराया भयंकर रूप दिखा करके। डरते अर्जुन ने स्वीकृति दे दी, हाँ मैं आपसे सहमत हूँ और युद्ध करूँगा। उसने जान लिया कि यदि एक बार फिर ये विराट रूप दिखा दिया तेरा कलेजा फट जाएगा, इसलिए युद्ध करना ही उसने अपना हित समझा। धमका रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तूने याद क्यों नहीं रखा गीता जी के ज्ञान को, और स्वयं कह रहे हैं अब मुझे वो पूरा पूरा फिर याद नहीं आ सकता, कोई बात हो या। इसे सीधा श्री कृष्ण जी ने कह कह का भी नहीं पता था कि गीता में मैंने बोला क्या है। पुण्यात्माओं, अब ये दास सत्संग कर रहा जिस विषय पर, और आप सुन रहे हो, जो प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा उसको 20% याद रहेगा मुश्किल से, और मैं वक्ता हूँ अपनी होश में बोल रहा हूँ, तो मुझसे कभी सुन लेना उसी समय सुना दूंगा, क्योंकि मैं अपने होश में बोल रहा हूँ। और मैं आप मुझसे पूछो कि वो सुनाना वो विषय जो उस दिन सुनाया था, और मैं कहूँ तुमने याद क्यों नहीं रखा, मुझे याद नहीं। इससे सिद्ध है कि मुझे कुछ भी मैंने बोला ही नहीं, यानी किसी और कोई भूत बोल गया मेरे अंदर आकर के, तब मैं ऐसी बातें कह सकता हूँ। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में काल बोल रहा था। ये काल कौन है आपको अभी परिचय दिया, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और ये काल जो है ये ऐसे धोखा करता है, इसने गीताजी अध्याय नंबर 11 के, गीताजी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अब कैसे कर्म दिव्य हैं? अब जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह प्रेत की तरह अपना उल्लू सीधा कर गया, नाश करवा दिया, अर्जुन नट्टे कृष्ण नट्टे, मना करे हम नहीं करते ऐसे युद्ध ना। पहले कृष्ण जी भी मना करे थे कि नहीं ऐसा जुलम नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक प्रतिज्ञा कर ली थी महात्मा ने श्री कृष्ण जी ने कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हथियार भी नहीं उठाऊँगा, क्योंकि युद्ध नहीं चाहते थे। वो बड़े शांत प्रिय महापुरुष थे, सतोगुण भगवान है, लेकिन काल ने उसमें प्रवेश किया और अर्जुन को डराया भयंकर रूप दिखा करके। डरते अर्जुन ने स्वीकृति दे दी, हाँ मैं आपसे सहमत हूँ और युद्ध करूँगा। उसने जान लिया कि यदि एक बार फिर ये विराट रूप दिखा दिया तेरा कलेजा फट जाएगा, इसलिए युद्ध करना ही उसने अपना हित समझा। तो अभी आपको दिखाते हैं इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं, ये कर्म कैसे अलौकिक करता है। देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके संपादक कौन है, अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त, और प्रकाश गीता प्रेस गोरखपुर, और मुद्रक भी यही है, प्रकाशक भी यही है। अब देखना इसके 233 पृष्ठ पे, ये चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 2 पृष्ठ नंबर 233 पे, या नीचे आइएगा। ये श्लोक नंबर 22 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अतिशय भीषण
देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ, उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब इन देवताओं ने आराधना तक की विष्णु की और आ गया यु काल विष्णु रूप धारण करके। ये कहता ना चतुर्भुज रूप भी बड़ी मुश्किल से अपनी कृपा से किसी किसी को दिखाता हूँ। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगतपति पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवश्य अवतीर्ण होकर यानी भूत की तरह प्रवेश कर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूँगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के युद्ध वध के लिए तैयार करो, यानी वहाँ पुरंजय को खड़ा कर लो युद्ध में, मैं उसमें प्रवेश करके सब न मार दूंगा। अब जैसे श्री कृष्ण में आकर यु काल प्रवेश कर गया और युद्ध करा दिया, कृष्ण जी तो नट रहे थे, और जब अर्जुन मना करने लगा तो श्री कृष्ण तो तुरंत कह देते, चल भाई बहुत अच्छा नहीं लड़ते, तो उसमें यु काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण में और वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसको डरा धमका के और युद्ध करवा दिया। तो इस प्रकार ये कहता है कि मैं उनके अंश मात्र से राजर्षि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश करके उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूँगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। और एक प्रमाण और कमाल का है 242 पृष्ठ पे, यही चतुर्थ अंश और अध्याय नंबर 3 और श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ नीचे आइएगा, ये तीसरा अध्याय है। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आँखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जो जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण ने कहा, यानी विष्णु रूप में आ गया यु काल, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने, अब ये वक्ता इस काल को कभी पुरुषोत्तम और कभी कुछ भी कहा, कुछ भी कहो लेकिन ये काल के विषय में जानकारी समझो। अब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, इस काल ने कहा विष्णु रूप में प्रकट होकर, क्योंकि ये विष्णु पुराण चल रहा है, यो नासव के पुत्र मानधाता का जो प्रकुत्स नामक जो पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं भूत की तरह प्रवेश करूंगा उसमें और उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यो नासव के पुत्र मानधाता का जो यह प्रकुत्स नामक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुनात्माओं, ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, मैं अब कर्म दिव्य ऐसे हैं कि ये स्वयं किसी के सामने नहीं आता। अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में आँखों पढ़ा और दास से सुना, और ये ऐसे कर्म करता है किसी दूसरे में प्रवेश करके और सब कुछ करना वो कर जाता है और स्वयं किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। ये कहता चतुर्भुज रूप में भी मैं कभी किसी पर अनुग्रह करके बेसिक दर्शन दे दूँ, ना कोई जप से, ना तप से, ना क्रिया से, ना दान से, यानी भले के लिए तो मैं किसी ने दर्शन दूँ को ना, अपनी मर्जी से किसी ने दर्शन दे दूँ अनन्य भगत ने,
अब जैसे देवताओं ने प्रार्थना की, विष्णु रूप में आ गया, वो ना वेदों आधार थी ना किसी और यज्ञ किया, उन्होंने सिर्फ प्रार्थना करते रहे, इसने नाश करवाना ही था और करना ही था। तो पहले तो कहता है उसमें ससाद के पुत्र पुरंजय में प्रवेश करके राक्षस मार दिए, और इसमें पुरकुष्ट में प्रवेश होकर और उनका गंधर्व का नाश कर गया, स्वयं प्रवेश करके ऐसे कहता है, मेरे कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, तुम नहीं जान सकते। अपनात्मा ये एक तत्व ज्ञान है, ये पवित्र श्रीमद्भगवद गीता लगभग 5000 वर्ष से पहले 5500 वर्ष के आसपास ये लिपिबद्ध की गई थी, और पवित्र हिंदू धर्म इसको सिरोधार्य मानता है और बहुत ही उत्तम शास्त्र है, लेकिन इसमें वास्तविकता क्या है ये नहीं परिचित थे, इससे इसको नहीं जान सके। और पुण्यात्मा अपने घर में औषधियों की बुक रखी है और वो बहुत ही अच्छी जानकारी है, लेकिन हम समझ नहीं सके उसकी इक्वेशन, उसका अलग से बना लिया गलत, उसका औषधियाँ तैयार करके हम विनाश को प्राप्त हो गए, रोग नाश नहीं हुआ। तो अब इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, ये वही अनमोल सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता अपने पास है, हम सभी शिक्षित हैं, इस शिक्षा का अब हम लाभ उठाएंगे और परमात्मा पाएंगे। अपुणात्मा प्रमाण के बिना आप नहीं मान सकते, क्योंकि लोकवेद आप जी ने बहुत सुन रखा है, और उस लोकवेद को वो जो अज्ञान था, अधूरा ज्ञान था, उसको हटाने के लिए, उसका नाश करने के लिए ये तत्व ज्ञान सुनाना पड़ रहा है, और साथ में ये प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं, और फिर आप इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके अपना कल्याण करा पाओगे। अब एक और प्रमाण देते हैं कि महाभारत में प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखाया था, तो इससे भी आपको प्रमाणित हो जाएगा। ये देखिएगा संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके वही संपादक हैं जयदयाल गोविंद का, अनुवादक भी, संशोधक और संपादक, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके पृष्ठ नंबर 544 और 45 पर आपको दिखाते हैं। ये है उद्योग पर्व, उद्योग पर्व है, दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्वरूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान। ये 543 पृष्ठ से हम प्रारंभ करते हैं। यहां से दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन यानी विराट रूप दिखाना, और कौरवों की सभा से प्रस्थान। ठीक है, हम अपने काम की चीज पढ़ेंगे, ज्यादा अक्षर पढ़ना तो घर पे आपके अवश्य रखे होंगे ये, पर 544 पे इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो। देखो श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो अज्ञानवश ये समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो शायद याद रखो समस्त पांडव और वर्षणी तथा अंधकवंशीय यादव भी यही हैं, वे ही नहीं आदित्य रुद्र वशु और समस्त महर्षिगण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर
शत्रु दमन